कोहली ने अपना सर्वश्रेष्ठ फाइनल के लिए बचाकर रखा है। लगातार फेल हो रहे विराट को लेकर बोले रोहित, भारत ने गुरुवार को गयाना में बारिश से प्रभावित दूसरे सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंग्लैंड को 68 रन से हराकर T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 के वर्ल्ड फाइनल में प्रवेश किया। अब खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। भारतीय टीम तीसरे T20 विश्व कप फाइनल में पहुंची है। इससे पहले 2007 में धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया चैंपियन बनी थी, जबकि 2014 में खिताबी मुकाबले श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ा था। भारत ने इस जीत से 2022 में इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड से सेमीफाइनल में मिली 10 विकेट की हार का बदला भी चुकता किया। टीम इंडिया की जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने खराब फॉर्म में चल रहे और बतौर ओपनर लगातार फेल हो रहे विराट कोहली को लेकर बयान दिया। उन्होंने विराट का पुरजोर समर्थन किया है। मैच में क्या हुआ, मैच की बात करें तो भारतीय टीम ने रोहित 29 गेंद 6 चौके 2 छक्के के अर्धशतक और सूर्य कुमार यादव 47 रन के साथ तीसरे विकेट के लिए उनकी 73 रन की साझेदारी की बदौलत मुश्किल पिच पर 7 विकेट पर 171 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था। फिर भारत ने अपने स्पिनर अक्षर 23 रन देकर 3 विकेट और कुलदीप 19 रन देकर 3 विकेट के शानदार प्रदर्शन से इंग्लैंड को महज 16.4 ओवर में 103 रन पर समेट दिया। जसप्रीत बुमराह ने 2.4 ओवर में 12 रन देकर 2 विकेट झटके। इंग्लैंड के लिए कप्तान जोस बटलर 30, हैरी ब्रूक 25, जोफ्रा आर्चर 21 और लियाम लिविंगस्टोन 11 ही दोहरे अंक तक।